नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन हक है हमारा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नारे के साथ एकजुट हुए OPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेंशन पुरुष विजय बंधु जी के नेतृत्व में चंपारा बिहार से चलकर नई पेंशन स्कीम व निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर सभी विभागों के कर्मचारी, यूनियनों के नेता और सभी कर्मचारियों द्वारा नए मुरादाबाद MDA कार्यालय के पास पागबड़ा 0 पॉइंट पर जबरदस्त स्वागत किया गया, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी बात रही। अब हम एक एक करके सभी से बात करेंगे, जो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं, अब हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। नई पेंशन और निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुई थी 1 तारीख को, और वो आज मुरादाबाद में पहुँच रही है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पेंशन पुरुष विजय बंधु जी कर रहे हैं, और वो थोड़ी देर में हमारे बीच में वो रैली आने वाली है। और तमाम देख रहे हैं आप कितनी भारी जनसमूह, पीछे तक पूरे कर्मचारी मुरादाबाद के, जो निजीकरण वाले हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो हमारे NPS के साथी हैं और जो हमारे OPS के साथी हैं, वो भी समर्थन में आए हैं। और ये पूरे भारत में कई चरणों में ये यात्रा चलेगी। पहला चरण इसका चंपारण से, और कल जो है ये हरिद्वार में समापन होगा, उसके बाद ये अलीगढ़ से 13 या 14 तारीख को वहाँ से चलेगी। तो यही है, एक ये जगाने का काम विजय बंधु जी इस पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है बहाल हो और निजीकरण भारत छोड़े, इसी के अभियान में आज सब लोग हम इकट्ठा हुए। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? हम भी यही कहना चाहेंगे कि OPS लागू हो, निजीकरण में बच्चे परेशान हैं, उससे क्या नाम है, उनको क्या नाम है, इतनी वो नहीं मिल पाती, हमारे सेम वो होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए बच्चों का। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, जब समान मेहनत करते हैं तो समान वेतन भी होना चाहिए और OPS भी लागू होना चाहिए। हम विजय बंधु के साथ में हैं और उनके साथ चलना चाहिए, हाँ उनके साथ में उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हमको इतना कहना है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है वो हमें लेनी है, है? वही हमारे बुढ़ापे की एक लाठी का सहारा है। अब नेता पेंशन ले रहे हैं, है? कुछ टाइम के लिए, और हम जो इतनी सेवा करते हैं, है? और हमारे बच्चों को पेंशन चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमें अच्छे ढंग से हमारी सेवा कर सके। पेंशन ही हमारा सहारा है, हम पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। पुरानी पेंशन हम लोगों को मिल रही है, हम लोग पुरानी पेंशन चाह रहे हैं कि हम लोगों को तो मिल रही है, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन है उनको सबको मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। मतलब हमारा हक है, निजीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे पुरानी पेंशन, लेके रहेंगे, बिल्कुल मिलेगी, अब तो जरूर। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, मजदूरी तो हमसे होगी नहीं, इसलिए जब नेताओं को मिल सकती है जो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, जेल में बैठ के, घर में बैठ के पेंशन ले रहे हैं, तो हमारा तो अधिकार बनता है। हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, है ना, तो हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। ये जो हमारा अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे, अगर इससे ऊपर भी कुछ करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। संवैधानिक अधिकार है और हम सबके बुढ़ापे का एक सहारा है जो कि भारत सरकार ने छीन लिया। भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, एक नहीं कई कई सारी पेंशन ले रहे हैं, इसलिए देश के प्रत्येक राज्य कर्मचारी का भी हक है, और हमारा जो है वो बुढ़ापे का सहारा है, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। और पूरे देश के कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के, और अगर सरकार पेंशन नहीं देती है तो देश की जन मतलब नेतृत्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन सब बहाल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो पेंशन के लिए ही तो ये होता है कि चलो जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हमें पेंशन मिले, क्योंकि वृद्धावस्था में एक वही जो है ये रहता है कि उनका खाना पीना सब उसमें जीवन यापन करने के लिए रहता है, और अगर पेंशन ही नहीं मिलेगी तो इंसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे, हम सबके साथ हैं, हमें तो मिलेगी पेंशन, खैर हम उसमें आते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है तो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए,
और सरकार से यही वह है कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन्हें उनके वृद्धावस्था के लिए जीवन यापन के लिए उन्हें पेंशन दी जाए। कर्मचारियों द्वारा नया मुरादाबाद एमडीए कार्यालय के पास पागबाड़ा जीरो पॉइंट पर जबरदस्त स्वागत किया। एक करोड़ का मामला है, सीधा सीधा अगर समझ में आ रहा है तो डीएम सिंह साहब।